हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ओरिजिन। दोस्तों, जिस फीचर्स का हम लोग कई महीनों से वेट कर रहे थे, फाइनली यूट्यूब ने जो है ऑफिशियली अपने यूट्यूब स्टूडियो में जो है रिसर्च टैब का फीचर्स वहां पे ऐड कर दिया है। ये एक ऐसा फीचर्स है जो हर एक यूट्यूब क्रिएटर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होगी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप सही तरीके से यूट्यूब के इस नए फीचर्स रिसर्च टैब का आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक आपको अपने कंटेंट या उनसे रिलेटेड कीवर्ड को फाइंड करने के लिए किसी वेबसाइट, टूल्स या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन दोस्तों YouTube के इस नए फीचर्स को आने के बाद अब आपको इन सारे टूल्स या वेबसाइट या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, YouTube के इस नए फीचर्स में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें YouTube आपको खुद बताता है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आपके जो ऑडियंस हैं या आपके चैनल के कैटेगरी के जो भी ऑडियंस हैं, वो YouTube पर किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं या वो YouTube पे सबसे ज़्यादा क्या सर्च करके देखते हैं। इसके बाद YouTube आपको खुद रिकमेंड करेगा कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और स्वाभाविक सी बात है, यदि आप ऑडियंस के मुताबिक उसके पसंद के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, देन उस वीडियो में काफ़ी अच्छी खासी व्यूज भी आएगी और आपका चैनल जो है काफ़ी जल्दी ग्रो भी होगा। सो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप सही तरीके से यूट्यूब के इस नए फीचर्स रिसर्च टैब का आप कैसे यूज कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों ये एक नया फीचर्स है, इसीलिए इसे समझने में थोड़ी टाइम लग सकती है। सो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें और इस वीडियो को पूरा देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह के YouTube से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जो है अपने चैनल के एनालिटिक पे आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी। दोस्तों, पहले इस पेज में चार ही फीचर्स हुआ करता था, ओवरव्यू, रीच, एंगेजमेंट और ऑडियंस, लेकिन YouTube ने यहाँ पे एक और फीचर्स ऐड कर दिया है रिसर्च का। आप यहाँ पे सबसे लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे YouTube ने एक और रिसर्च टैब का फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे आपको रिसर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप रिसर्च पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो यहाँ पे इस टाइप का इंटरफेस खुलेगी, और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन भी शो करेगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है सर्चेज अक्रॉस यूट्यूब। यदि आप यहां पे किसी टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करते हैं तो यूट्यूब यहां पे कुछ कीवर्ड आपको रिकमेंड करेगा जिस पे आप अपना यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, यहां पे यूट्यूब ने बहुत सारे कीवर्ड जो है यहां पे रिकमेंड किया है। आप यहां पे किसी भी कीवर्ड को जो है अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं, और राइट साइड यहाँ पर इसका सर्च वॉल्यूम भी शो कर रहा है। लोग इस टॉपिक को कितने तरीके से YouTube पे सर्च करते हैं वो सारा कीवर्ड यहाँ पे शो करेगा। आप ये लोग यहाँ पे देख सकते हैं, YouTube चैनल क्रिएट, हाउ टू क्रिएट अ चैनल, हाउ टू YouTube चैनल क्रिएट, मतलब ऑडियंस कितने तरीके से सर्च करते हैं इस टॉपिक को, वो सारा कीवर्ड यहाँ पे शो करेगी। जिस कीवर्ड के आगे हाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इस कीवर्ड पे जो है लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अगर आप हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड को अपने वीडियो में यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका वीडियो वो वायरल हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे एक फ़िल्टर करने का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंट्री में लोग इस कीवर्ड को कितने तरीके से सर्च करते हैं, तो आप यहाँ से अपने कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में जो लोग कितने तरीके से इस कीवर्ड को सर्च करते हैं वो सारा यहाँ पर जो है शो करने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे और सारा फीचर्स भी ऐड किया गया। जब आप इस चीज़ को रेगुलर यूज कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे सारा फीचर्स जो है वो समझ में आ जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ सेकंड ऑप्शन है योर व्यूअर सर्चेज, और ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा। इस फीचर्स में आपको बताया जाएगा कि आपके जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर्स है, वो किस कीवर्ड को जो है ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आपको यूट्यूब यहाँ पे खुद रिकमेंड करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कीवर्ड यहाँ पे यूट्यूब मुझे रिकमेंड कर रहा है, गूगल पे अकाउंट कैसे बनाए, ऑनलाइन जॉब एट होम, रियलमी नोट न्यूज 30, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट परमानेंटली। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कीवर्ड शो कर, और इसका वॉल्यूम भी काफ़ी हाई है। अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो इसमें काफ़ी अच्छी खासी व्यूज भी आएगी। और फिर जिस भी कीवर्ड को आप सेव करना चाहते हैं, उस कीवर्ड के लेफ्ट साइड में आपको क्लिक करना है, जिससे आपका वो कीवर्ड जो आपका सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपने मोबाइल में जो है इस फीचर्स के जरिए जान सकते हैं कि आपके जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो यूट्यूब पर क्या सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं और वो किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिससे आप ऑडियंस के मुताबिक उनके पसंद के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपके उस वीडियो में काफ़ी अच्छी खासी व्यूज़ भी आए और आपका वो वीडियो भी जो है वायरल हो जाए। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन है सेव्ड। आपने जितने भी कीवर्ड को सेव किया था वो सारा कीवर्ड यहाँ पे शो करने लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कुछ कीवर्ड को पहले सेव किया था, वो सारा कीवर्ड यहाँ पे शो कर रही है। तो इस तरह से आप जो भी कीवर्ड को सेव कीजिएगा वो सारा कीवर्ड यहाँ पे शो करेगी।
तो दोस्तों ये था रिसर्च टैब का मेन फीचर्स जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर किया। अगर आप इस फीचर का अच्छी तरह से यूज करना सीख जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि आपका चैनल जो है काफ़ी जल्दी ग्रो भी करेगा और आपके हर एक वीडियो में अच्छी खासी व्यूज भी आएगी। सो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि आप कैसे यूट्यूब के इस नए फीचर्स रिसर्च टैब का यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के यूट्यूब से रिलेटेड नए नए फीचर्स नए नए अपडेट हमेशा मिलती रहती है। थैंक यू।